राजधानी भोपाल में अब मिशन वैक्सीनेशन गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां ड्राइव इन वैक्सीनेशन के तहत दिव्यांगजनों का वैक्सीनेशन किया गया। राजधानी भोपाल के लेक व्यू अशोका में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर में दिव्यांगजनों का टीकाकरण शुरू किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर अविनाश लवानिया और निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोसलानी मौजूद रहे। वहीं अब इस सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू होने से दिव्यांगजनों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि कमांड सेंटर पर फोन करने के बाद दिव्यांगजनों को घर से लाकर टीकाकरण करने और बाद में वापस घर छोड़ने की सुविधा रहेगी। हमारा उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने आप को बिना किसी परेशानी के वैक्सीनेट कर सके। इसी क्रम में हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए हमने ये व्यवस्था बनाई है कि हम उनको घर से पिक करें, यहाँ लाएं, गाड़ी में बैठे बैठे उनका वैक्सीनेशन हो और 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद उसी वाहन से हम उनको वापस ड्रॉप कर दें। इसके माध्यम से हम यही सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे सब लोग भी बिना किसी परेशानी के पूरी सहूलियत के साथ अपने आप को वैक्सीनेट करा सकें। इसी क्रम में हम लोगों ने अपना जो संचालित कमांड सेंटर का नंबर है 1075, उस पर भी कोई भी दिव्यांगजन या उनके परिजन फ़ोन करके ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। जब भी हम उस वार्ड का प्लान बनाएंगे तो उनको सम्मिलित करते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको भी हम घर से पिक करके यहाँ लाएँ और वैक्सीनेट करा के वापस घर ड्रॉप करें। वहीं अब एक बार फिर से राजधानी में मिशन वैक्सीनेशन गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां अब दिव्यांगजनों को वैक्सीन लगाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।